Hey yo, what's up beautiful people, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So yeah guys, ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है. क्यों? क्योंकि अवाम पिछले एक हफ्ते से जो मेरे साथ कर रही है, अब मेरा टाइम है कि मैं अवाम के साथ करूँ. समझ रहे हो ना, मतलब बात करूँ. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था. मुझे कॉन्ट्रोवर्सी के शिकार अभी नहीं बनाया जा रहा. मुझे बहुत अरसे से ये चीजें चल रही हैं मेरे साथ. ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा. और तुम लोग कह रहे हो कि इसको फर्क ही नहीं पड़ा, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पड़ेगा फर्क यार. मुझे कैसे फर्क पड़ेगा? तुम लोगों को फर्क पड़ना है अगर मेरे साथ लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, तुम लोगों को फर्क पड़ेगा. ये वीडियो सब लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो जवाब मांगना चाह रहे हैं. ऐसे ऐसे घटिया लोग भी हैं जो मेरी मदर की डेथ के ऊपर, जब मैंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की, ये उस टाइम कह रहे थे अब तो तू बड़ा इस्लामिक हो रहा है, पहले तो हरामजदगियां करता रहा. भाई तुम्हारे साथ कौन सी हरामजदगी की है मैंने? उस गजब बेइज्जती है. और ये जो तुम लोग लगे हो ना 50 शेड्स ऑफ शेरी और कितने शेड्स रह गए हैं, तो ये मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग आपस में घर वालों के साथ इतने खुले हो कि वो सारे शेड्स तुम्हें बताते हैं शेरी के हैं? तुम लोग बोलोगे कि यार अब ये गलत बोल रहा है. इस चीज में मैं लिबरल हूँ. मैं नहीं देखता लड़का है लड़की है. ठीक है, लड़की भी जवाब देगी उसको भी ऐसा जवाब मिलेगा, लड़का भी देगा उसको भी ऐसा जवाब मिलेगा. तुम मेरी जात पे करोगे तबसरे और हम चुप करके बैठे रहेंगे हैं? स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कब हुई, आइए देखते हैं. तो यार ये मैं कंट्रोवर्सी का शिकार अभी से नहीं हूँ, मैं 2018-19 से हूँ. स्टार्ट करते हैं जब मुझे फेम मिली. भाई मैं तुम्हें लेवल इक्वली सारी बातें बताऊंगा, मतलब ग्रेजुअली सारी चीजें आगे बढ़ते बढ़ते मैं एंड वाले टॉपिक पे आऊंगा जहां पर मैंने आपके साथ वो वाला शेयर किया था. आऊंगा उस पे, आऊंगा मेरी जान. चुम्मा बट नाराज नहीं होना तुमने यार, नाराज नहीं होना. पहले लोग क्या करते थे, मेरी स्किन कलर के ऊपर बात करते थे, स्किन टोन के ऊपर, या ये तो काला है, ये तो ये है, ये तो वो है. मुझे उस टाइम भी फर्क नहीं पड़ता था. मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ. उस टाइम भी कंट्रोवर्सी का शिकार बनाते थे कि यार ये फिल्टर लगांदा है, ये लगांदा है, वो लगांदा है, ये है, वो है, फलाना टिमकाना. मैंने उस टाइम भी परवाह नहीं की. एट दी एंड मैंने अपना नाम ही चेंज कर दिया. दे काल में ब्राउन बॉय बहुत ही खत्म. उसके बाद कुछ सेंसिबल लोग आ गए, उन्होंने कहा कि यार नहीं यार ये कोई तरीका नहीं है किसी को किसी की स्किन टोन के ऊपर जज करना, वो अगले बंदे को यार उसको कॉम्प्लेक्स का शिकार करना. अगला बंदा नहीं भी हो ना, बार 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 आपका एक कमेंट अगले बंदे को हर्ट करके वो हो जाता है भाई इस चीज का शिकार कि हाँ भाई मैं तो रुड़ गया हूं. ठीक है ना, अगला बंदा समझ लेता है भाई मेरी जिंदगी बर्बाद है. ठीक है भाई, ये वाला कंट्रोवर्सी का किस्सा जो है ना वो इधर ही खत्म हो गया. 2021 तक मुझे यही हेट मिलता था कि यार तेरी स्किन टोन ऐसी है वैसी है फलाने टिमकाने. उसके बाद मुझे हेट नहीं मिला. ठीक है, फिर हेट दोबारा स्टार्ट का हुआ मेरी मदर की डेथ पे. लिटरली ऐसे घटिया घटिया बंदे भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया पे, तुम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो, यकीन करो. अब ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर एक ऐसा फेज आएगा कि जिसके अंदर यार तुम्हें पता ही नहीं है यार, मतलब 15 अगस्त तक मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं चिल हूँ. उसके बाद 10 दिन बाद मेरी मामा की डेथ हो जाए, तुम इमेजिन कर सकते हो यार कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार. हाउ इट्स पॉसिबल कि मेरी माँ मेरे सामने 2 हफ्ते पहले तक मुझे रोटी बना के खिला रही है. यूनिवर्सिटी से वापस घर आने से पहले मुझे कॉल करके पूछने के बेटा तूने खाने में क्या खाना है, ये सब कुछ चल रहा है. अचानक से ये फेज आ जाए, कर सकते हो? ऑब्वियसली हम लोग गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहगार हैं. ठीक है, ऑब्वियसली जब ऐसा बंदे के ऊपर आता है, इंसान है ही मतलब ही, ठीक है, जब बंदे के ऊपर बहुत हार्ड फेज आता है तो बंदे को अल्लाह याद आता है, अपना रब याद आता है. बंदे को वैसे भी रखना चाहिए लेकिन बंदे को रब याद आता है उस टाइम. ठीक है ना, तो यार मैं अपने आप को ना चेंज करने की कोशिश कर रहा था बट लोग उन्होंने क्या क्या बातें नहीं की. अब तो तू बड़ा शरीफ हो रहा है, अब तो तेरे अंदर बड़ा ईमान आ रहा है, अब तो तेरे अंदर बड़ा इस्लाम आ रहा है, मां मर गई है तो ये हो गया. लिटरली ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे पास वो पड़े हुए हैं, मैं स्क्रीनशॉट अभी तक मेरे पास सेव है और मेरा दिमाग खराब होता था. और यार मैं मेरे सामने हुआ तो मैं तो मुंह अगर उसके दोस्त उसको बाहर लेके जा रहे हैं और आगे से तुम कमेंट कर रहे हो अभी तेरी माँ को फोत हुए ये टाइम नहीं हुआ तो तुम लोग ये कर रहे हो. और यार एक बंदा डिप्रेशन में है, उसको को बंदा लेके जा रहा है माइंड सेट ठीक करने के लिए और तुम लोग कह रहे हो नहीं भाई मरे रहो उसी चीज में रहो. अब आते हैं 2 मेन टॉपिक्स पे. सिद्धू मूसे वाला क्या सीन था, ठीक है. दूसरा ये टॉपिक है कि यार म्यूजिक वाला क्या सीन था. इसके अंदर मैं सारों को क्लियरली जवाब दूंगा. शुरू से ना एक इस्लामिक फैमिली में मेरी ग्रोथ हुई है और मेरी परवरिश जो है
मेरे अम्मी अबू ने बहुत अच्छी की है, मुझे नमाजी बनाया है, मुझे सारा कुछ, ऑल क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, मुझे बहुत अच्छी तरबियत दी है उन्होंने। मैं टिकटॉक्स बनाता था, मैं जो भी करता था ना, लेकिन जब इस्लाम की बात आ जाती थी ना, मैं वहां पे स्टैंड करता था। यही मसला है ना, जो बंदा स्टैंड लेता है ना, उसी के खिलाफ होते हैं लोग। क्या हुआ, सिद्धू का एक गाना आया था वार, उसके अंदर उसने कहा था की मोहम्मद, मतलब सामने, वो मुझे लिरिक्स याद नहीं है, लेकिन की मोहम्मद इस तरह करके बोला था कि यार मैं उसको पिछले 5 साल से फॉलो कर रहा हूं, उसने ये बात की, हालांकि उसने वो बात उस वे में नहीं की थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि यार उसने इतने डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात की थी, मैंने स्टैंड ले लिया। उस टाइम काफी हॉट टिकटॉकर्स ने जो उनके सॉन्ग्स पे वीडियोस बनाते हैं, उन सारों ने स्टैंड लिया। आफ्टर सम टाइम जब उसके वालिद साहब की वीडियो आई तो उन्होंने कहा कि यार हमसे गलती होगी, लेकिन मैंने जब स्टैंड लिया हुआ था ना, मुझे पता था अगर मैं लोगों को ये बात करूंगा ना कि यार ठीक है मेरे से गलत होगी, मैंने वो बात गलत कर ली, उसके वालिद साहब ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि हमारे बच्चे से गलती हुई थी, ठीक है उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और अगर मैं अब वीडियो बना दूंगा ना तो वो हम कहेगी फेम लेने के लिए किया। हालांकि इन घटिया लोगों को कौन बताए, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, okay. कुछ जो है बीच में उनकी बात कर रहा हूं। अब इन घटिया मेंटेलिटी के बंदों को कैसे बताया जाए कि यार इस बंदे ने, ठीक है, कभी फेम लेने के लिए बच्ची का इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी घटिया कंटेंट का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये फेम लेने के लिए इतनी घटिया हरकत करेगा उस बंदे को लेके जिस बंदे को पिछले 5 साल से फॉलो कर रहा है। भाई सिद्धू के बहुत काम थे, मुसलमानों के लिए बहुत काम किए, उसमें से सबसे बड़ा वो कब्रिस्तान वाला मामला था। उस टाइम मैं कैसे चुप रह लेता यार, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है वो मेरे लिए ऐसे है कि मेरी पूरी जिंद जान कुर्बान है, मेरा घर बार माँ बाप सब कुछ, बीवी बच्चे सब कुछ कुर्बान है भाई। इस लाइन के करीब जब जब कोई बंदा आएगा मैं स्टैंड लेता आया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी लेता आऊंगा, ठीक है। मैंने फिर वीडियो बनाई थी सिद्धू के खिलाफ बायकॉट करने के लिए, मैंने अपनी सारी वीडियोस हटा दी उसके ऊपर, हालांकि मेरे यकीन करें मिलियन मिलियन 3-3 मिलियन व्यूज आए थे, लेकिन मैंने ख्याल नहीं किया, मेरे अंदर रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट किसके लिए, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ठीक है। जब उसके वालिद साहब की वीडियो आ गई वो बात उधर ही ठप हो गई, लेकिन मैंने कहा मुझे पता है मेरी आवाम का, ठीक है ना, मैंने अगर इस टाइम पे आके दोबारा वीडियो बना दी तो इन लोगों ने रगड़ देना। फिर मैंने कहा था कोई मौका मिलेगा तो मैं इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। बाकी भाई सिद्धू भाई से हमारा कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, सिद्धू मेरा पहले भी उस्ताद था, वो अभी भी है, वो हमेशा रहेगा भाई। उस बंदे को कोई बंदा बीट नहीं कर सकता, नो डाउट। मैं पहले भी फॉलो करता था, मैं अब भी फॉलो करूंगा उसको। ये मैंने तुम लोगों का सिद्धू वाली बात का जवाब दे दिया। इसके बाद भी मुझे पता, जब सिद्धू के गाने में वीडियो आनी है तो आवाम ने कहना कि तूने जो ये बात की थी, अबे जा भाई अपना काम कर यार, तुझे क्या है। देखना मुझे एक बात बता, तू एक गाड़ी चला रहा है, ठीक है, अब गाड़ी चलाते चलाते तू ऐसी गली में टर्न कर गया जहां पे आगे दीवार है, तो क्या तू दीवार के अंदर मार देगा। अबे वापस मोड़ेगा ना, अकलमंद आदमी वापस मोड़ेगा ना। तो मुझे एक बात बता, जब बात ही खत्म कर दी थी उसके वालिद ने आके, तो मैं उस बात के ऊपर फिर डटा रहता कि भाई ऐसे है तो वैसे है, फलाना है टिमकाना है, बात ही खत्म होगी। फाइनल राउंड। बातें हैं जी जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भाई आपने पहले म्यूजिक क्यों छोड़ा, फिर म्यूजिक पे दोबारा क्यों आए। इट्स माई पर्सनल लाइफ, ठीक है, मुझे कोई स्टेप लेना होता है ना, मैंने तुम लोगों से पूछ के नहीं लेना। मुझे हदायत मिली, मैंने कहा कि यार आई शुड टेक अ स्टेप, लेकिन उस टाइम भी लोगों ने मुझे कहा कि भाई तू फेम के लिए कर रहा है, ये तुम लोगों ने ट्रेंड बनाया। भाई हसन आबिद ने स्टेप लिया, मैं उससे इंप्रेस हुआ, मुझे भी फील हुआ मुझे भी स्टेप लेना चाहिए, मैंने स्टेप लिया, मैं उसके ऊपर रहा एक साल। कोई बंदा इस लेवल पे आ गया भाई, सेक्रीफाइस किया, ठीक है, तुम में से कोई बंदा करके दिखा दे, मैं मान जूंगा। तुम एक इंडिपेंडेंट हो, तुम अपना मामला खुद चलाते हो, अपने घर में भी तुम खुद से कंट्रीब्यूशन करते हो, उनको जरूरत नहीं है लेकिन तुम खुद से कंट्रीब्यूट करती हो, और तुम्हारे ऊपर सारी प्रमोशंस बंद हो गई हैं, फिर मुझे सरवाइव करके दिखाओ। कहना है भाई स्टेप लिया था, हाँ ठीक है, अब करते हैं कंटिन्यू। तुम लोगों ने अगले हफ्ते स्टार्ट कर देनी थी, जब तुम्हारी जेब में रोकड़ा आना खत्म हो जाना था, लेकिन मैंने भाई सरवाइव किया, उन सारी चीजों के साथ सरवाइव किया। लेकिन लोगों के ताने, लोगों की बातें, लोगों दी नंगियां वीडियोस वायरल हो, यानी पता नहीं की वायरल होया, तो तुसी ओदे उत्ते गल नहीं उठांदे, ओ ते भाई बड़े इज्जतदार बन के फिर रहे ने, बगैरतार फिर रहे ने, ठीक है। ते मेरी की गलती है, मेरी यह गलती है कि यार मैंने एक लाइफ में अच्छा स्टेप लिया, ठीक है, मेरी ये गलती है, इट्स माई पर्सनल इशू। इसके ऊपर तुम लोगों का क्या रिस्पॉन्स करना बनता है,
तुम लोग कह रहे हो फेम के लिए कर रहा था, मेरे 1,60,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और जब मैंने म्यूजिक छोड़ा ना 1,45,000 हो गए 15,000, और लोग 10,000 फॉलोअर्स के पीछे मरते हैं, मैंने 15,000 फॉलोअर्स गिरा के भी फिर भी उसी पॉइंट पे रहा, ठीक है। इंस्टा के ऊपर मेरा अकाउंट ऐसे बूस्ट हो रहा था, पर मुझे लोगों की शाबाशी चाहिए होती ना, लोगों की मुझे चाहिए होते फॉलोअर्स वगैरह, तो भाई मैं उसी टाइम भी कहता कि हाँ ठीक है यार फॉलोअर्स तो नीचे आ रहे हैं, छोड़ो जी हमें क्या जरूरत है फॉलोअर्स नीचे आ रहे, इतनी मेहनत करके बनाए थे, मैंने नहीं परवाह की थी, ठीक है। और तुम लोग क्या फेम लेने के लिए किया था, ये फेम लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, भाई मैं फेम लेने के लिए आज तक बच्ची का इस्तेमाल नहीं किया, इतनी फिर रही है, इतने लोग हैं, बाकी टिकटॉकर्स भी करते हैं, मैं भी कर सकता था, बच्ची का इस्तेमाल नहीं किया इसने आज तक फेम लेने के लिए, इसने आज तक घटिया कंटेंट नहीं किया, एक दूसरे को गाली दे के ऊपर नहीं आया, अपनी मेहनत करके आया हूं, इस चीज को अंडरस्टैंड करो भाई, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। तुम लोगों ने मेरी प्रोफाइल नहीं देखी हुई है, मैंने मेहनत की है, एक एक दिन में 22 वीडियोस अपलोड की है, मैंने अपनी जान मारी अपना नाम बनाने के लिए, और कल को कोई बंदा अगर उठ के ये बात करेगा ना कि यार ये स्टेप इसने फेम लेने के लिए किया, और भाई मैंने अपनी 5 साल की फेम को छोड़ दिया था यार, और तुम लोग मुझे ये बात कर रहे हो कि फेम लेने के लिए किया, यार हैरत वाली बात है यार, कोई अकल नू हाथ मारो यार। एक बंदा है उसकी लीक्ड वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने आम थले सपोर्ट कर रही है, कुछ नहीं होता ये है तो वो है, वी आर विद यू, ये है वो है फलाना टिमकाना, वो बगैरतों की तरह वीडियो डाली जा रहा है या डाली जा रही है, जो भी है उसका सीन वो डाली जा रहे हैं, लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है कुछ देर करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। मेरे पीछे तो गिरेबान तक पहुंच गए लोग इस वजह से यार कि मैंने एक अच्छा स्टेप लिया था, और तुम लोगों का मुझे मोटिवेट करना बनता था यार, और तुम लोगों ने आ गया औकात पे वापस, मानसा टिकटॉकर इज ऑलवेज अ टिकटॉकर, 50 शेड्स ऑफ शेरी, तुहाडे नाल मैं केड़ा शेड कीता, मैनूं पहला ए दसो, गजब बेइज्जती है, मैनूं ए गल क्लीयर करो, मैं ए गल क्लीयर करवाना चाहुंदा वां, ए जिहड़े जिहड़े कह रहे ने ना 50 शेड्स फलाना शेड, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਣ ਖੁੱਲਣਾ ਕਰ, ਬੜੇ ਬਗਾਰਤ ਲੋਕ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇ ਆਪ ਲੋਕ ਤਬ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕਤੇ ਹੋ ਜਬ ਆਪ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ, ਖੁਦ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ। ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕੋ ਤੋ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੋ ਕੇ ਉੱਪਰ तब उंगली उठाना। तुम जब किसी की तरफ उंगली उठाते हो ना, पॉइंट आउट करते हो, 3 उंगलियां बेटा तुहाडे वाली आंदियां ने, ओ खोते दे बच्चा, पहले अपने आप का करैक्टर तो ठीक कर, तो ठीक है ना। अब जो मुझे कह रहे हैं कि मौलवी ये वो, आई डोंट रियली गिव अ शिट मैन, आई डोंट केयर व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट मी, इतने साल से नहीं केयर किया तो अब क्या केयर करूंगा, एंड आई एम अनस्टॉपेबल। जितने तुम लोग हाजी प्रेजी हो ना, तुम लोग बस करो, जितने तुम लोग हाजी प्रेजी हो, हाजी प्रेजी होते ना तो तुम लोग ये टिकटॉक स्क्रोल करके बच्चियां ना ताड़े होते, ठीक है ना, ये ठरक ना आंखें ना सेक रहे होते, तुसी भी जाओ भाई चिल्ला शिल्ला लाओ तो जमात नाल जाओ, ठीक है ना, फिर आके मैनू गल्लां करना, अपना किरदार ठीक नहीं है लोगों के उत्ते चले ने किरदार ते उंगलियां चुकन। मैं पागल था ना, मैं पागल आदमी था, मैं लोगों को समझाने चला था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था हमारी आवाम इस तरह की है, लोगों को समझाने चला था, लेकिन अब मैं रियलाइज कर रही हूँ बहुत अच्छे से, आप अच्छा करो तब भी लोग आपको कहेंगे, आप बुरा करो तब भी लोग आपको कहेंगे, सो यू डोंट हैव टू गिव अ शिट अबाउट पीपल। तुम मर रहे होगे ना, लोगों ने आगे नहीं पूछना, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर अच्छा होगा बुरा होगा कोई नहीं आगे पूछेगा, तुमने खुद डिसाइड करना है कि तुमने क्या करना है। तो ये नहीं कह रहा कि ये कोई अच्छी चीज है, लेकिन इट्स माय डिसीजन, हु द फक आर तुम, कौन हो भाई, क्या तुम एग्जिस्ट भी करते हो मेरी लाइफ में, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਰਹਾਨਾ ਹਾਲਤ ਮੇ ਕੁਛ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਉਲਟਾ, ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਥੀ, ਉਲਟਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੱਜ ਕੀਆ, ਔਰ ਜਬ ਮੈਨੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਗਏ ਮੈਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਮਨੇ ਮੁਝੇ ਜੱਜ ਕੀਆ। ਤੋ ਭਾਈ ਜਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਟਰ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਮੁਝੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੋ ਕਰੂੰ। ये था मेरा तमाचे की तरह तुम सबके फेस पे रिप्लाई, मतलब सबके नहीं, मतलब कुछ क्यूट क्यूट फेसेस हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरा वेट कर रहे थे, नाउ आई एम बैक एंड आई रियली लव यू एंड आई रियली मिस ऑल माय फेम, और मैं इंशाल्लाह अब कम बैक करूँगा, और ऐसा कम बैक करूँगा, ऐसा कम बैक करूँगा, अल्लाह की ज़ात बड़े बोल से बचाए इंशाल्लाह, पुत्र तुसी याद रखोगे, और बाकी फिर भी कमेंट्स करने तो करो। I don't give a f-
इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो बंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब कर लो। बाकी लव यू ऑल।